ओम शांति। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ वीसीडी नंबर 772 क्लैरिफाइड ऑन 1 अक्टूबर 2007 एट हैदराबाद। Today's morning class is dated 23rd January 1968. अभी मीठे-मीठे रूहानी बच्चों को समझाया गया है। Now, this has been explained to the very sweet spiritual children. इस समय है कलयुग की घोर अंधेरा। There is extreme darkness of the Iron Age at this time. यानी बुद्धि एकदम अंधेरे में है। It means the intellect is in stark darkness. अभी बच्चे शिव जयंती के लिए तैयारी कर रहे हैं। Now the children are making preparations for Shiv Jayanti, birthday of Shiv. सतोप्रधान बनना है। You should become सतोप्रधान। इस ऊंचे ज्ञान को समझ नहीं सकता कोई। No one can understand this elevated knowledge. जब तक बाप आकर न समझा ले। Until the father comes and explains it. 1 January 1968 का दूसरा पेज। Second page of the Vani dated 23rd January 1968। इन लोगों को पढ़ाना ही नहीं है, वो इन बातों को नहीं समझ सकेंगे। Those who don't have to rise, they won't be able to understand these concepts. शिव जयंती सो गीता जयंती। इट इज प्रेज्ड शिव जयंती सो गीता जयंती। अभी मनुष्यों की बुद्धि में तो कचड़ा भरा हुआ। नाउ द इंटेलेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज फुल ऑफ डर्ट। वो तो कुछ न कोई भगवान समझते हैं। दे कंसिडर कृष्ण अलोन टू बी गॉड। तो थोड़े कड़े अक्षर लिखना पड़े। सो यू हैव टू राइट स्टर्न वर्ड्स टू सम एक्सटेंट। ये साफ दिखाना है एक गीता भक्ति मार्ग की, जो कृष्ण का नाम डाल करके झूठी बनाई गई। यू हैव टू शो इट क्लियरली। वन इज द गीता ऑफ द पाथ ऑफ भक्ति विच वॉज मेड फॉल्स बाय एडिंग द नेम ऑफ कृष्ण। क्योंकि सारा मदार गीता पर। इट इज बिकॉज एवरीथिंग इज बेस्ड अपॉन द गीता। झूठी गीता पढ़ते पढ़ते सारा भारत गिर पड़ा। द एंटायर भारत हैज डिग्रेडेड व्हाइल रीडिंग द फॉल्स गीता। अभी बाप आकर के सच्ची गीता सुनाते। नाउ द फादर कम्स एंड नरेट्स द ट्रू गीता। सारी शक्ति का मदार गीता पर। द एंटायर वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन द गीता। पतित पावन भी गीता का भगवान ही कहेंगे। God of the Gita alone will be called the purifier of the sinful ones. इसलिए एक बात में बच्चों को विजय पानी है। The children should gain victory only over this one thing. क्योंकि ये सबसे बड़ी अति ग्लानी है। It is because this is the biggest defamation. बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया। That they have added the name of the child instead of the father. इसी से दुर्गति को पाया हुआ। भारत हैज डिग्रेडेड ओनली बिकॉज ऑफ दिस। बाप भी गीता सुनाते हैं। द फादर ऑल्सो नरेट्स द गीता। ये राजयोग है। दिस इज राजयोग। वो गीता तो सभी मनुष्य पढ़ते हैं। धर्म शास्त्र समझ लिए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ऑल द पीपल रीड दैट गीता बिकॉज दे हैव कंसिडर्ड इट टू बी देयर रिलीजियस स्क्रिप्चर। जैसे क्रिश्चियन लोग बाइबल पढ़ते हैं। जस्ट लाइक द क्रिश्चियंस रीड द बाइबल। छोटी छोटी चौपड़ियाँ पॉकेट में पड़ी रहती। दे कीप स्मॉल बुकलेट्स इन देयर पॉकेट। यही बतावेंगे क्रिस्ट ने क्रिश्चियन धर्म रचा। दे विल सिंपली से क्राइस्ट एस्टैब्लिश्ड द क्रिश्चियन रिलीजन दैट्स इट। इसीलिए बढ़ाई दे देते हैं। दिस इज व्हाई दे प्रेज हिम। ऐसे बुजुर्ग होकर के गए हैं उनको मान देते हैं क्योंकि समझते हैं वो बड़े। जस्ट लाइक बुद्धा हैड बीन टू दिस वर्ल्ड सो ही इज रिस्पेक्टेड।
इट इज बिकॉज पीपल थिंक दैट ही वॉज ग्रेट और खुद मान देने वाले तो गिरते जाते हैं एंड दोज हु रिस्पेक्ट हिम दे देमसेल्व्स कंटिन्यू टू डिग्रेड बड़ों बड़ों को मान देते हैं परंतु दुनिया तो पतित होती जाती है ना They respect the great ones, but the world certainly continues to become sinful, doesn't it? दुनिया पतित होती जाती है तो कम पावर के ही जन्म लेती रहती When the world continues to become sinful, those with less power are born. First class वाली सत्युग में जन्म लेगी The first class souls will be born in the golden age. और जो पीछे पीछे जन्म लेते हैं वो कम पावर वाले के ही जावे And those who are born later will be called those with less power. People become less powerful day by day. Everything passes through four stages. It becomes sato pradhan, sato, rajo and tamo, doesn't it? तो बाबा मुख्य बात जो कहते हैं उस पर बच्चों को पूरा ध्यान देना चाहिए सो द चिल्ड्रन शुड पे कम्प्लीट अटेंशन ऑन द मेन कॉन्सेप्ट दैट बाबा टेल्स यू तुम बच्चे तो जानते हो भगवान ही है विन स्थापन करते हैं यू चिल्ड्रन नो गॉड अलोन एस्टैब्लिशेस हेवन राजयोग सिखाते हैं और भक्ति मार्ग में समझते हैं किसने सिखाया He teaches Rajyog, but the people in the path of bhakti think that Krishna taught it. On one side, that child has complete 84 births. And on the other side, there is God who is beyond rebirth. There is such a vast difference. You should do very good advertisement. People have become tamo pradhan while reading the false Gita of Krishna. Whereas the true Gita which the father narrated was certainly Rajyoga. Krishna koi Rajyoga thodi sikhate hain. Krishna doesn't teach Rajyoga at all. तो ऐसी युक्ति से पत्थर मारना चाहिए So you should throw the stone so tactfully जो कहे ये बात आकर के समझाओ That they should say, come and explain it. तो ये समझाने वाले भी बड़े अच्छे चाहिए But those who explain it should also be very intelligent. समय अनुसार देखा जाता है It is seen according to the time. बच्चों में भी योग की कमी है विजय पाए नहीं सकेंगे The children are lacking in yoga now. They won't be able to gain victory. इसलिए तुमको टाइम आज मिलता ही नहीं है This is why you don't get time etc. at all. क्योंकि बच्चों में योग का बल बहुत कम है It is because the power of yoga is very less in the children. सारा मदा योग पर Everything is based on yoga. आधा कल्प देह अभिमानी बने हैं यू हैव बीन बॉडी कॉन्शियस फॉर हाफ द साइकिल और ये एक जन्म देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है एंड इट इन्वॉल्व्स एफर्ट्स टू बिकम सोल कॉन्शियस इन दिस वन बर्थ क्योंकि सच्चाई कम है इट इज बिकॉज यू आर लेस ट्रूथफुल लिखते नहीं है कि बाबा आप जो कहते हो वो तो बिल्कुल राइट यू डोंट राइट Baba, what you say is absolutely right. Maya हमको बड़ा चलायमान करती है. Maya makes me very inconstant. इसलिए चार्ज भी रखते नहीं है समझते हैं घंटा डेढ़ घंटा लेंगे. This is why they don't even maintain a chart. They think I should mention an hour or 1.5 hours. अगर इतना कम लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे? If I mention such less time, what will Baba say? They don't follow Srimat at all. Baba explains it for the unique children.
और कोई बच्चे तो ऐसे हैं जो याद का अर्थ भी नहीं समझते। There are some children who don't even understand the meaning of remembrance. मुझे जाते They become confused. कि बिंदी को कैसे याद करें? Thinking, how should we remember the point? अरे? ये कोई बिंदी है? Is this a point? ये तो बाबा है, बाबा को याद करना है। He is Baba. You should remember him. बिंदी को बाबा कहेंगे क्या? Will you call the point Baba? बिंदी तो आत्मा का रूप है। In fact, it is the form of the soul. और वो बिंदी भी शिव स्वरूप है, सदा शिव कही जाती है। And that point is also equal to Shiv. It is called Sadashiv. बिंदु आत्माओं का बाप है। He is the father of the point souls. बाबा तो grandfather को कहा जाता है। As a matter of fact, the grandfather is called Baba. तो बाबा को याद कर रहे हैं। So you should remember Baba. भक्ति मार्ग के लिए बड़ा रूप बनाया हुआ है। A bigger form has been made in the path of bhakti. तुम तो बाप को याद करो। You should remember the father. ज्ञान तो बुद्धि में है ना? You do have the knowledge in the intellect, don't you? वो छोटी सी बिंदी है। He is a small point. उनको याद करने से पाप विनाश होगी। If you remember him, your sins will be destroyed. हिंदी में भी दिखाया है सतो पठान सतो रजोतम। It has been shown in the picture of the ladder too. The stage is sato pradhan at first, then it becomes sato, rajo and tamo. फिर ऊपर चढ़ने का भी ऐसे ही। It is the same way for climbing up too. ऐसे नहीं तमो पठान से कोई फट से सतो पठान बन जाती। It isn't that someone becomes sato pradhan from tamo pradhan instantly. नहीं। No. पहले तमो प्रधान से तमो फिर रजो फिर सतो। First of all, you become तमो from being तमो प्रधान, then रजो and then सतो। फिर सतो प्रधान। Later on, you become सतो प्रधान। तो ये चक्र चलता रहता है। So this cycle keeps rotating. जितना जितना जो याद करते हो उतना उच्च पद पाते। The more someone remembers, the higher the position they receive. इंसान में मार्क्स दी जाती है ना? Just like marks are given in an examination, aren't they? ये हमारा अंतिम जन्म है। This is your last birth. इस अंतिम जन्म में तुमको पुरुषार्थ करना है। You have to make पुरुषार्थ in this last birth itself. तो सारा दिन ये ख्याल चलता रहे किसी को कैसे समझाएं? So you should think throughout the day. How should I explain to someone? और भारतवासी भी सब तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं है। Well, not all the भारतवासीज are सूर्यवंशीज and चंद्रवंशीज। कौन कौन से वंश के? कोई वैश्य वंशी है, शूद्रवंशी भी मिल से मिल से है। Which dynasty do they belong to? Some are Vaishyavanshis. The Shudravanshis are also mixed in them. उनसे sampling उनका ही लगेगा जो सूर्यवंशी थे। Only those who were Suryavanshis will plant the sapling. सब तो नहीं आ जाएंगे नई दुनिया में। Not everyone will go to the new world. इन बातों को समझने में कितनी डिफिकल्टी होती है। So there is so much difficulty in understanding these concepts. अपन को समझ सकते हैं। You can check yourself. हम याद में नहीं रह सकते हैं। तो समझना चाहिए और सत्य की सुनवंशी नहीं बच सकेगी। If you can't stay in remembrance, you should think, I can't become the golden age Suryavanshi. क्योंकि आप ही नहीं समझते हैं। It is because
यू डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग एट ऑल. ऐसे छोटे बच्चों को कहा जाता है शिव बाबा को याद करो. जस्ट एज द स्मॉल चिल्ड्रन आर आस्क्ड टू रिमेम्बर शिव बाबा. परंतु समझ दो रही है. बट दे डोंट हैव द सेंस. याद से सतो प्रधान बन जाए. दैट दे हैव टू बिकम सतो प्रधान थ्रू रिमेम्बरेंस. जिनको ऊपर आना ही नहीं है वो इन बातों को समझ नहीं सकेंगे और योग में भी नहीं रह सकेंगे. सो दोज हु डोंट हैव टू गो अहेड दे वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स एंड दे कांट स्टे इन योग ईदर. तो अभी यही सिद्ध करना है शिव जयंती श्रीमद भगवत गीता जयंती. सो यू हैव टू प्रूव दिस इटसेल्फ नाउ. शिव जयंती सो श्रीमद भगवद गीता जयंती. कृष्ण जयंती सो गीता जयंती. इट इज इन कृष्ण जयंती सो गीता जयंती. झूठी गीता पढ़ते पढ़ते मनुष्य नीचे ही गिरते आए. पीपल हैव जस्ट डिग्रेडेड व्हाइल रीडिंग द फॉल्स गीता. और बाप की समझाने से कितना ऊपर चढ़ते. And they rise so high through the father's explanation. इस पर कैसे समझावे? वो बात निकालिए. तुम सुनावेंगे तो मनुष्य चमकेंगे. But how should you explain it? You should think about it. When you narrate this, people will be enraged. क्या? What? कैसे चमकेंगे? How will they be enraged? युवा कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की गीता सुनते सुनते मनुष्य नीचे गिरते चले आए. People have been degrading by listening to the Gita of Krishna alias Brahma. फिर बाप आकर जो समझाने देते हैं उससे बुद्धि कितनी ऊंची चली जाती है. Then your intellect goes so high after listening to what the father comes and explains. If they become enraged, you have to tolerate it. This is a battlefield, isn't it? There will certainly be obstacles, but you don't have to become afraid. श्री कृष्ण उर्फ ब्रह्मा भगवान वाच की गीता जन्म जन्मांतर पढ़ते नीचे उतरते चले आए. You have degraded for many words by reading the Gita spoken by God Shri Krishna alias Brahma. पाप तो एक ही बार सुनाते. The father narrates it only once. इसे गति सदगति हो जाती. थ्रू विच यू रिसीव लिबरेशन एंड ट्रू लिबरेशन. क्राइस्ट ने कौन सा बाइबल रचा जो मुक्ति को पाए. विच बाइबल डिड क्राइस्ट क्रिएट सो दैट पीपल रिसीव लिबरेशन. कोई भी मुक्ति को नहीं पा सकते. नो वन कैन रिसीव लिबरेशन. और मुक्ति को तो तब ही पावेंगे जबकि बाप आवेंगे. And you will receive liberation only when the father comes. बाकी क्राइस्ट आज की तो कोई महिमा ही नहीं है. As for the rest, there is no glory of Christ, etc. क्या करते हैं? What does he do? धर्म स्थापन किया. He established the religion. वृद्धि को पाते रहते हैं, नीचे उतरते रहते हैं. It continues to progress and the people continue to degrade. तुम बच्चे तो स्वर्ग पैराडाइज में रहते हो. यू चिल्ड्रन स्टे इन हेवन दैट इज पैराडाइज. वहाँ जाने के लिए तुमको अभी मेहनत करनी पड़ रही है. नाउ यू हैव टू मेक एफर्ट्स टू गो देयर. बाबा हमेशा कहते हो वो लोग क्या समझाते हैं ये भी तुमको देखना चाहिए. बाबा ऑलवेज सेज यू चिल्ड्रन शुड ऑल्सो ऑब्जर्व व्हाट दे एक्सप्लेन. जैसे अरविंद घोष का आश्रम है जाकर के देखना चाहिए. Just like you should go to the ashram of Arvind Ghosh and check. अगर पूछते हैं तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी हो बोलो. हाँ हम बाहर भी गए. If someone asks,
Are you a Brahma Kumar Kumari? Tell them, yes, I have also gone there. परंतु अभी जांच करती रहती है सही रास्ता कौन सा है. But I keep checking which the right path is. मुक्ति जीवन मुक्ति का सहज रास्ता कौन बता सकते हैं? सो देखते हैं. I see who can show the easy path to liberation and liberation in life. यहाँ भी बहुत ऐसे हैं जो जांच करने जाते हैं. There are many here as well who go to check. कि कोई और कोई अच्छा रास्ता मिल जाए. If they can get a better path. तो जांच करनी चाहिए क्या क्या सिखलाते हैं. So you should check what all they teach. तो फिर तुम्हारे भी हो करके कोई को भी समझा सकेंगे. Then you can become experienced and explain to anyone. ये बात है गीता के भगवान की. The very main concept is God of the Gita. मनुष्य समझते हैं कृष्ण भगवान वाच. The human beings think Krishna Bhagwan Vach. Krishna ko ya Christ ko Bhagwan kyun nahi kehte? You can't call Krishna or Christ God. Aur Bhagwan to ek hi hoga ya bahut honge? Will there be just one God or many? To saaf karke jahan Gita par samjhate hain wahan jaye sunna chahiye. So you should go and listen where the Gita is explained clearly. Shiva Jayanti mein bhi ya Krishna ka chitra hai jise mein dono Gita dikhai hai. Even on Shiva Jayanti or the picture of Krishna in which both the Gitas have been shown. Ye bahut bada chitra saath mein uthana pade. You should carry this very big picture along. मुसलमानों के ताबूत कितने बड़े बड़े होते हैं. The tableau of the Muslims are so big. मुख्य बात ये है. This itself is the main concept. ये गीता भक्ति मार्ग की दुर्गति की है. This Gita is of the path of bhakti, of the path of degradation. जो जन्म जन्मांतर पढ़ते पढ़ते दुर्गति को पाया. You have degraded for many births while reading it. और शिव बाबा जो गीता सुनाते हैं उससे एक सेकंड में सदगति हो जाती है. यू रिसीव सदगति इन अ सेकंड थ्रू द गीता विच शिव बाबा नरेट्स. पहले तो बुद्धि की सदगति होगी ना. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी द सदगति ऑफ द इंटेलेक्ट बोर्न देयर. पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाती है. यू बिकम वन विद अ पारस लाइक इंटेलेक्ट from the one with a stone like intellect. पहले पत्थर मारना है फिर भले मटरियां मारे. So you should throw the stone first. You may cry out later on. बाबा ने कह दिया है चित्रशाला जी तुम्हारी है वो इंश्योर करा दो. बाबा has said ensure your picture gallery. नहीं तो पत्थर आदि मारने में देरी थोड़ी करती. Otherwise, people don't delay in throwing stones etc. at all. They are monkeys. उनको समझाना है पर योग का बल नहीं. You should explain to them, but you don't have the power of yoga. बल्कि तब भी अपना अपन को अच्छा अच्छा समझते हैं परंतु तीर तो लगता नहीं. No matter how much you consider yourself to be good, the arrow of knowledge doesn't hit anyone. योग है नहीं. यू डोंट हैव योग. तो इसको कहा जाता है कुकुर ज्ञानी. सो सच वंस आर कॉल्ड दोज विद नॉलेज लाइक दैट ऑफ अ कॉक. कुकुर टोलता है वो भी बांग भरते हैं. अ कॉक ऑल्सो क्रोज. फिर खुद ही सो जाते हैं. देन इट फॉल्स अस्लीप. ये है ही भिखारियों की दुनिया. दिस इज द वेरी वर्ल्ड ऑफ विशियस वंस. अब इस दुनिया को निर्विकारी कौन बनावे. नाउ हु विल मेक इट वॉइसलेस. विकारी निर्विकारी बनावेंगे क्या. विल द विशियस वंस मेक इट वॉइसलेस. कृष्ण तो बना ही नहीं सकता. कृष्ण कांट डू दैट एट ऑल. उसको सदाशिव कहेंगे क्या. विल ही बी कॉल्ड सदाशिव. वो तो अभी भी सांवरा तत्पतित है.
ही इज डार्क दैट इज सिनफुल इवन नाउ. तो जो पतित है वो गीता कैसे सुनावेगी? सो हाउ कैन अ सिनफुल वन नरेट द गीता? और ये भी कुछ जानता था क्या? एंड डिड इवन दिस वन नो एनीथिंग? बाबा ने आकर के समझाया. बाबा केम एंड एक्सप्लेन्ड इट. कितनी भुज्य बातें हैं समझने की. दीज आर सच डीप कॉन्सेप्ट्स टू अंडरस्टैंड. जिसका नाम दिया है वो यहाँ बैठा है. द वन हूज नेम इज मेंशन्ड इज सिटिंग हियर. कृष्ण तो एक ही बार बनते हैं. कृष्ण बिकम्स दैट जस्ट वंस. फिर भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में जाते रहते. देन ही टेक्स ऑन डिफरेंट नेम्स फॉर्म्स एंड कंट्रीज. और ये त्योहार आदि जो मनाते हैं वो इसे पुरुषोत्तम संगम युग की यादगार है. And these festivals, etc., that you celebrate are the yadgar of this Purushottam confluence age. Bhakti Mali mein manaye jaate hain. They are celebrated in the path of bhakti. Parantu in baaton ko wo manushya to samajh nahi sakte. But the human beings can't understand this. Abhi tum kitne samajhdar bante ho. Now you become so intelligent. तुम जानते भी हो आगे हम भी बेसमझ थे. यू नो दैट यू टू वर फूलिश अर्लियर. अभी बाप द्वारा कितना समझा. नाउ यू हैव अंडरस्टूड सो मच फ्रॉम द फादर. तो मुख्य तो ये गीता है. दिस गीता इज सर्टनली द फोरमोस्ट. शिव जयंती तो आर्य समाज भी मनाते. द आर्य समाज इज ऑल्सो सेलिब्रेट शिव जयंती. परंतु शिव ने आकर के क्या किया कुछ भी जानते नहीं. However, they don't know anything what Shiv came and did. अगर कोई शिव पुराण या कोई शास्त्र बनाया भी होगा तो भी झूठा. Even if Shiv Puran or any other scripture was compiled, it is also false. तो समझते हो शिव बाबा ने गीता ही सुनाई है. So you understand that Shiv Baba has narrated the Gita alone. बाकी तो सभी शास्त्र फालतू. All the rest of the scriptures are unnecessary. कहते हैं तुम शास्त्रों को नहीं मानते हो. If someone says you don't accept the scriptures. बोलो क्यों नहीं मानते. Tell them why don't we accept them. हम तो जानते हैं ये सभी शास्त्र भक्ति मार्ग की सामग्री. We know that all the scriptures are the paraphernalia of the path of bhakti. परंतु हमने अभी भक्ति करना छोड़ दिया है. But we have given up doing bhakti now. शास्त्र पढ़ना भी भक्ति है. Reading scriptures is also bhakti. बाप ने कहा ये जप तप आदि करने से मेरे साथ कोई नहीं मिलती. The father has said, no one finds me by doing jap. Meaning chanting, tap, that is intense meditation, etc. शास्त्रों का जाप करते हैं ना? People chant the scriptures, don't they? परंतु देखो दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे उतरते जाते. But look, they keep climbing down the ladder day by day. संगम पर ही बाप आकर के सतोपटान बनाए पुरुषोत्तम बनाते हैं. The father comes only in the confluence age. And makes you Purushottam after making you Satopradhan. और Satopradhan भी सबको नहीं कहेंगे. Well, not everyone will be called Satopradhan. सभी एक पर्सन नंबरवार होते हैं. सतयुग में भी नंबरवार राजधानी होती है. All the actors are number wise. The capital is also number wise in the golden age. भगवान आकर के राजधानी स्थापन करते. गॉड कम्स एंड एस्टैब्लिशेस द कैपिटल. 1968 की वाणी का तीसरा पेज. थर्ड पेज ऑफ द वाणी डेटेड 23 जनवरी 1968. और धर्म पिताएं आते हैं तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, राजधानी स्थापन नहीं करते. The other religious fathers come and establish only their religion. They don't establish the capital. उनके आने के बाद
200-400 वर्ष के बाद जब बहुत उनकी तादाद हो जाती है तब शास्त्र बनते हैं। The other religious fathers come and establish only their religion. They don't establish the capital. After 200 to 400 years of their arrival, when their population increases a lot, the scriptures are compiled. राजाई स्थापन होती है। Kingship is established. तो समझाना चाहिए। कृष्ण कहो, ब्रह्मा कहो, वो कोई राजधानी स्थापन नहीं करते हैं। So you should explain. Call him Krishna or Brahma. He doesn't establish the capital. The father himself comes and establishes it. नई दुनिया अर्थात नई दुनिया का संगठन कोई कृष्ण और ब्रह्मा थोड़े बनाते। Krishna alias Brahma doesn't make the new world. That is the gathering of the new world. ये नई दुनिया बनाने का काम तो बाप का ही है। इट इज द फादर्स टास्क टू क्रिएट द न्यू वर्ल्ड। बाप जब आते हैं तब ही विनाश होता है। व्हेन ही कम्स इट इज देन दैट द डिस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस। तुम समझते हो ये पुरानी दुनिया है। यू थिंक दैट इट इज द ओल्ड वर्ल्ड। और नई दुनिया के लिए हम राजयोग सीख रहे हैं। एंड यू आर लर्निंग राजयोग टू गो टू द न्यू वर्ल्ड। बुलाते भी हे पतित पावन आओ। यू ऑल्सो कॉल आउट सेइंग ओ प्यूरिफायर ऑफ द सिंफुल वंस कम। आकर के हमको पावन दुनिया में ले चलो। कम एंड टेक अस टू द प्योर वर्ल्ड। जरूर पावन दुनिया में थोड़े मनुष्य होंगे। देयर वुड सर्टेनली बी अ फ्यू पीपल इन द प्योर वर्ल्ड। रामा के प्लान अनुसार अभी पुरुषोत्तम संगम के ऊपर ये राजधानी स्थापन हो रही है। This capital is being established in the Purushottam confluence age according to the drama plan. नरक से फिर स्वर्ग कैसे बनता है ये भी तुम जानते हो। It is you who knows that how it becomes heaven from hell. ये Godfatherly University है। It is Godfatherly University. भगवान वाच है मैं तुमको मनुष्य से देवता बनाता हूँ। It is Bhagwan Vach. I make you a deity from a human being. Aim object tumhara samne khada hai. Your aim object is standing ahead. Tumhari vijay hogi is point par, parantu pichhadi bhi hogi. You will definitely gain victory on this point, but it will happen later on. Abhi tum haddiyan naram karte rehte ho. Now, you keep making the bones soft. पत्थर बुद्धियों को मुलायम बनाते रहते हो। यू कीप मेकिंग दोज विद स्टोन लाइक इंटेलेक्ट सॉफ्ट। ठिक्कर बुद्धि को सोने की बुद्धि बनाते हो। यू ट्रांसफॉर्म दोज विद ठिक्कर लाइक इंटेलेक्ट इनटू दोज विद गोल्ड लाइक इंटेलेक्ट। तुम कोई कारीगर कम थोड़ी हो। सो यू आरंट एन इंफीरियर आर्टिसन। कहते हैं विश्वकर्मा ने सोने की दुनिया बनाई। It is said Vishwakarma built a golden world. तो कारीगरी की है ना? So he used his art, didn't he? विश्व का बाप ही ये कर्म कराए रहे हैं। The world father himself is having this task performed. तो पहले विश्व पिता को पहचानना पड़े। You need to recognize the world father first of all. वो ही करण करावनहार है। He himself is करण करावनहार। और बाप को ही विश्वकर्मा कहा जाता है। एंड द फादर हिमसेल्फ इज कॉल्ड विश्वकर्मा। सारे विश्व को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि नरक से स्वर्ग बनाने वाला वो बाप है। ही इज द फादर हु मेक्स द पीपल ऑफ द एंटायर वर्ल्ड इनटू दोज विद अ पारस लाइक इंटेलेक्ट फ्रॉम दोज विद अ स्टोन लाइक इंटेलेक्ट। ही इज द फादर हु मेक्स हेवन फ्रॉम हेल। बच्चों से कराते हैं अभी नई दुनिया स्थापन कराए दे। He has the children do it. Now he is having the new world established. नई दुनिया स्थापन होगी तो पुरानी दुनिया का जरूर विनाश हो जाएगा। When the new world is established, the old world will certainly be destroyed. तुम समझते हो? You understand?
आज ये दुनिया नरक है, कल स्वर्ग बन जाएगी। दिस वर्ल्ड इज हेल टुडे, इट विल बिकम हेवन टुमारो। फिर हम नए सिरे से चक्कर लगा लेंगे। देन वी विल रोटेट फ्रॉम द बिगिनिंग। ये बुद्धि में चक्कर याद है ना? You do remember this cycle in the intellect, don't you? कल की बात है। गीता को सिद्ध करने में कितना टाइम लगता है? It is about yesterday. How much time does it take to prove the Gita? ये गीता है ही सभी शास्त्रों का माई बाप। This Gita is certainly the mother and father of all the scriptures. और गीता ही अगर झूठी सभी शास्त्र झूठे हो जाए। एंड इफ द गीता इटसेल्फ इज फॉल्स, ऑल द स्क्रिप्चर्स बिकम फॉल्स। रावण राज्य में तो सभी भिखारी हैं। एवरीवन इज सर्टेनली विशियस इन द किंगडम ऑफ रावण। पाप आकर के निर्विकारी दुनिया बनाते हैं। द फादर कम्स एंड एस्टैब्लिशेस द वाइसलेस वर्ल्ड। अक्षर कितने कड़े हैं। द वर्ड्स आर सो स्टर्न। इससे कष्ट की गीता से भारत वैश्याले बने। भारत हैज बिकम अ ब्रॉथेल थ्रू द गीता ऑफ कृष्ण। और शिव बाबा आकर के शिवालय बना दी। हाउएवर शिव बाबा कम्स एंड मेक्स शिवालय। पहले तो मनुष्य सुनकर के गाली देंगे। एट फर्स्ट द पीपल विल इंसल्ट ऑन लिसनिंग टू इट। तुम्हारी बात सीधे सीधे मानेंगे नहीं। दे वोंट एक्सेप्ट योर वर्ड्स इजीली। अखबारों में डालेंगे। दे विल पब्लिश इट इन द न्यूज़पेपर्स। गवर्नमेंट कहेगी इनको बंद करो। द गवर्नमेंट विल आस्क यू टू स्टॉप इट। बहुत खलबल्ला मचाती। दे कॉज ट्रेमेंडस अपहेवन। ये तुम्हारी ये गुप्त चीज है ना? इट इज बिकॉज योर्स इज द हिडन टास्क, इजंट इट? परंतु तुम जब बहुत हो जाएंगे तो आवाज निकलेगा। बट व्हेन योर पॉपुलेशन इंक्रीजेस अ लॉट द वॉइस विल कम आउट। बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे करो। The father explains, do this and that way. परंतु इतनी ताकत नहीं है तो थोड़ा थोड़ा करते रहते। But you don't have that much strength, so you keep doing a little. सारी बात है गीता के भगवान पर। Everything is based on God of the Gita. इसमें बड़ी खुशहाल बुद्धि चाहिए। You should have a very broad intellect for it. क्योंकि बंदर बुद्धि को देवता बनाना होता है। It is because he has to transform those with a monkey-like intellect into deities. और दूसरे धर्म वाले भी तो आने हैं। Well, the people of other religions also have to come. परंतु वे पिछाड़ी में आएंगे। But they will come in the end. नहीं तो तुम्हारे पास मच्छरों से दशाएं करके इकट्ठे हो जाए। Otherwise, they will come to you and gather like mosquitoes. और कृष्ण तो है ही स्वर्गवासी। एंड कृष्ण इज सर्टनली द रेजिडेंट ऑफ हेवन। भगवान है गुप्त है। गॉड इज हिडन। कृष्ण तो आ नहीं सकता। कृष्ण सर्टनली कांट कम। ये तो असंभव बात है। दिस इज इम्पॉसिबल। जो कृष्ण इस दुनिया में आ जावे। दैट ही विल कम इन दिस वर्ल्ड। आजकल तो झूठे कृष्ण भी बहुत बनाते। Nowadays, many become false Krishna as well. कोई के अच्छे अच्छे गुण होते हैं तो सबकी भावना उनमें बैठ जाती है कि ये तो जैसे कृष्ण का अवतार है। उसी भावना से जाते हैं तो साक्षात्कार भी हो जाता है। If someone has good virtues, everyone has the feeling as if he is the incarnation of Krishna. Krishna mein pyar to sabhi ka hai na? It is because everyone loves Krishna, don't they? Unko bhavana ka bhara mil jata hai. So they receive the reward of their feelings. Tumhari sachi ki bedi ko loode bahut aate hain. Many obstacles arise before your boat of truth. परंतु ये डूब नहीं सकती। But it can't sink. ये सच की बेड़ी एकदम पार ले जाने वाली। This boat of truth will absolutely take you across.
ये कब डूब नहीं सकती। इट कैन नेवर सिंक। तो गवर्नमेंट भी क्या कर सकेगी, ये तो गुप्त ज्ञान है ना। So, what will even the government be able to do? This is a secret knowledge, isn't it? कोई का मुख थोड़ा ही बंद कर देंगे। You won't close anyone's mouth. तो धर्म की स्थापना जरूर होनी है, बाबा समझाते रहते हैं योग की बहुत कमी। इसलिए कहते हैं अपन को आत्मा समझो। The establishment of the religion definitely has to take place. The father keeps explaining, you seriously lack in yoga. This is why he says, consider yourself as a soul. और दूसरों को भी ऐसे ही देखो। Also see others in the same way. हम भाई भाई को शिक्षा देते। सभी आत्माएं भाई भाई हैं। ये नशा रहना चाहिए। और जनन भी बहुत अच्छी चाहिए। We give knowledge to the brothers. All the souls are brothers for each other. You should have this elation, and you should also have a very good conduct. देखना है हमारा रजिस्टर तो खराब नहीं होता है। You should check. Isn't my register spoiled? और रजिस्टर रखना ही पड़े। And you should certainly maintain a register. टीचर को तो रजिस्टर चाहिए। The teacher certainly needs a register. झूठा चार्ट आज होगा तो झट पता पड़ जाता है। इफ इट इज अ फॉल्स चार्ट एटसेट्रा ही कम्स टू नो इमीडिएटली। टीचर तो अच्छी रीति समझ सकते हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। अपन को भी हमें क्यों कह नहीं सकता। यू कांट प्रेज योर सेल्फ। आप ही अपन को देख लें। यू हैव टू चेक योर सेल्फ। हमने किसको दुख तो नहीं दिया। डिड आई गिव सॉरो टू एनीवन। इसमें योग की मुख्य बात है। योग इज द मेन सब्जेक्ट इन दिस। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तो इन गंभीर बातों को समझ नहीं सकते। द स्मॉल चिल्ड्रन कांट अंडरस्टैंड दीज ग्रेव कॉन्सेप्ट्स। कौन से छोटे बच्चे? विच स्मॉल चिल्ड्रन? उम्र के हिसाब से छोटे बच्चे या ज्ञान के हिसाब से छोटे बच्चे? आर दे स्मॉल अकॉर्डिंग टू द एज और आर दे स्मॉल अकॉर्डिंग टू द नॉलेज? Students, according to the knowledge. बाकी इन कविताओं आदि में कुछ रखा नहीं है। As for the rest, there is nothing left in these poems, etc. जो भक्ति मार्ग में होता है वो ज्ञान मार्ग में नहीं होता है। What happens in the path of bhakti, it doesn't happen in the path of knowledge. भक्ति मार्ग में कविताएं गीत आदि गाते रहते हैं। You keep singing poems, songs, etc. in the path of bhakti. पाप तो अक्षर ही तो देखे। अपन को आत्मा समझ और पाप को याद करो। द फादर गिव्स यू ओनली टू वर्ड्स, कंसिडर योर सेल्फ एज अ सोल एंड रिमेम्बर द फादर। पाप को याद करने मात्र से ही वर्षा बुद्धि में आ जाता है। पाप है ही वर्षा देने वाला। द इनहेरिटेंस कम्स टू योर इंटेलेक्ट जस्ट बाय रिमेम्बरिंग द फादर। He is certainly the one who gives you the inheritance. और सुपर, अर्थात स्वर्ग का वर्षा तो देंगे ही। And he will no doubt give the inheritance of happiness that is heaven. यह वर्षा जरूर सबको दे करके जाएंगे। He will definitely go back after giving this inheritance to everyone. परंतु पद नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार पाद। However, you will receive the position number wise according to the Purushartha. जानते हो शिव हम सभी आत्मा का बाप है। You know that the father Shiv is the father of all the souls. फिर सब आत्माएं सो परमात्मा तो हो न सके। Well, not all the souls can be the supreme soul. क्योंकि आत्माएं तो अनेक हैं। It is because there are numerous souls. और परमात्मा तो एक ही है। But there is just one supreme soul. गाते भी हैं परमपिता परमात्मा। It is also praised, the supreme father, supreme soul. मची मुझ पड़ती। People become confused. Occupation का पता ही नहीं है। They don't know about his occupation at all. तो जैसे कि पत्थर की पूजा करते।
इट इज एज इफ दे वर्शिप द स्टोन. आखिरी किसको याद करें? फाइनली होम शुड दे रिमेम्बर? बच्चों को गुड मॉर्निंग. ओम गुड मॉर्निंग टू द चिल्ड्रन. ओम शांति.